हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी गांव में मनोहर नाम का किसान अपनी बीवी हेमलता और बेटी रितिका के साथ रहता था। उनके घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, खाने का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे में मनोहर और हेमलता को अपनी 22 साल की रितिका की शादी की चिंता सताने लगी, पर दहेज की अधिक मांग के चलते कहीं उसका रिश्ता पक्का ही नहीं हो पा रहा था। रिश्तेदार बहन सरोज उनके घर आती है। नमस्कार भाई साहब, कैसी हैं आप? जी बहन जी, मैं बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों है? जी भाई साहब, मैं अपनी रितिका बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखिए लड़के की फोटो। लड़के का नाम गिरीश है, विदेश में रहता है, बहुत बड़ा कारोबारी है। पर क्या कहिए, इसका बेटा है 7 साल का, जो कि इसकी पहली बीवी का है, पर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अरे, ये लड़का तो काफी बड़ा लगत है अपनी रितिका से। का कहा तो तुम है? अरे तो क्या हो गया बहन जी, आप अपनी लड़की का सुख देखिए ना। लड़का अमेरिका में रहता है, हमारी बिटिया बहुत खुश रहेगी। मैं तो बस रितिका का भला चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के ख्याल से रितिका के माता पिता अपनी बेटी की शादी बड़ी उम्र के गिरीश से करवा देते हैं। शादी के बाद वो अमेरिका चली जाती है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, पर गिरीश उसे ज्यादा वक्त नहीं देता था। वो सारा दिन अपने काम में लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन, जी सुनिए ना, क्यों ना हम अपने रिश्ते को अब आगे बढ़ा ले। देखो रितिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भी इस शादी को लेकर बहुत से सपने हैं, लेकिन ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। क्या कहा आपने, समझौता? पर ये शादी तो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी और मेरी उम्र में कितना फर्क है। ये शादी मैंने सिर्फ अपने बेटे विराज के लिए की है, ताकि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। जी मैं सब जानती हूँ और आपकी बात को भी समझती हूँ, इसीलिए आज के बाद हम इस टॉपिक पर कभी बात नहीं करेंगे। प्लीज रितिका, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, बस अपनी पत्नी का हक तुम्हें कभी नहीं दे सकता। जी माफी क्यों मांग रहे हैं आप, शायद मुझे भागन के भाग में यही लिखा था। ऐसे ही वक्त बीतता है। रितिका किसी तरह सारी बातों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। तो वहीं विराज भी अपनी पढ़ाई पूरी करने हॉस्टल चला जाता है। 15 साल बीत जाते हैं। वहाँ रितिका अमेरिका के माहौल में खुद को पूरी तरह से ढाल लेती है। वो वहाँ का पहनावा, रहन सहन सब बदल देती है। ऐसे ही एक दिन गिरीश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे कोई है, मेरी मदद करो रितिका, रितिका। अरे गिरीश जी, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। रितिका उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पति को? जी देखिए, आपके हस्बैंड को लास्ट स्टेज का कैंसर है और इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मैम, संभालिए अपने आप को। डॉक्टर की बात सुनकर रितिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत विराज को फोन करती है। हेलो विराज। ओ हाय रिट्स, कैसी हो तुम? विराज, तुम फॉरेन हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ रिट्स, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? वो तुम्हारे पापा को कैंसर है, डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सब सुन विराज फौरन सब कुछ छोड़ छाड़ कर हॉस्पिटल आ जाता है और अपने पिता से मिलता है। पापा, ये आपको क्या हो गया पापा? अरे बेटा, तू आ गया, तुझे देखने की मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। बेटा अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं आ गया हूँ ना। तभी अचानक से
गिरीश की सांसें फूलने लगती हैं। विराज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सिचुएशन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर गिरीश की मौत हो जाती है। गिरीश के जाने के बाद विराज और रितिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों इस सदमे को भुलाने के लिए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसे ही एक दिन, ना जाने मेरा क्या होगा, बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी और अब पापा आप भी। विराज हौसला रखो, अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो क्या होगा, चुप हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सच में ना रिट्स, तुम मेरे साथ रहोगी ना? हाँ, बस अब तुम रोना बंद कर दो। वक्त बीतता जाता है। विराज को रितिका के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। माँ बेटे का रिश्ता दोस्ती में तब्दील हो जाता है। वो दोनों एक साथ घूमने जाते, खाना खाते और ढेरों बातें करते। विराज रितिका से प्यार करने लगता है, पर उसे कह नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन रितिका का बर्थडे होता है। ओ रिट्स, रिट्स, कहाँ हो तुम, यहाँ आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, यही तो हूँ। हैप्पी बर्थडे रिट्स, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ओ थैंक यू विराज, वाओ कितना सुंदर ड्रेस है, मानना पड़ेगा विराज तुम्हारी चॉइस है ना, बहुत बेस्ट है। थैंक यू डियर, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सेलिब्रेशन के लिए बाहर भी तो जाना है। विराज और रितिका डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उनको रोक लेते हैं और रितिका के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। विराज को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जमकर उन गुंडों की पिटाई कर देता है और उनको वहाँ से भगा देता है, मगर हाथापाई में उसे भी काफी चोटें लग जाती हैं। रितिका उसे लेकर घर आती है। विराज, तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की, देखा कितनी चोट लग गई तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। रिट्स, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई तुम्हें ऐसे बोले। पर क्यों, बोलो, मैं पूछती हूँ आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ रिट्स। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो विराज? हाँ रिट्स, हमारा रिश्ता चाहे जो भी था, पर मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर समाज वाले कभी हमारे इस रिश्ते को नहीं समझेंगे। लोगों की चिंता तुम मत करो, बस तुम मुझसे प्यार करती हो ना, यही है बहुत मेरे लिए। ये बात बोलकर वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और अपने इस नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे आसपास के सभी लोगों को उनके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और सब लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे देखो देखो लोगा, देखो इन दोनों को तो जरा भी शर्म नहीं आती, आइयो दूसरे देश में आके रिश्तों की मर्यादा ही भूल गए। अरे इन लोगों ने तो अपने देश का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया, आए बड़े। रोज रोज सबकी ऐसी बातें सुनकर विराज को बहुत दुख होता है। वो फाइनली रितिका से शादी करने का फैसला ले लेता है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेती हैं और सबके सामने अपने प्यार की सच्चाई को रखती हैं। इस तरह रितिका की अधूरी जिंदगी पूरी हो जाती है और उसे अपना एक हम उम्र हम सफर मिल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये अनोखी कहानी? क्या आपके पास भी ऐसी कुछ अनोखी लव स्टोरी है? अगर हाँ तो बैठे क्यों हो खाली, करो हमें कमेंट। गौरी की माँ के देहांत के बाद वो अपने तीन मौसियों कमला, सुरेखा और काजल के साथ गोवा के एक बंगलों में रहती थी। तीनों मौसियों की शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। बड़ी बहन शोभना की हुई भी तो उसका पति उसे छोड़कर भाग चुका था, जिसके बाद से वो तीनों लड़कों से नफरत करने लगी थी, इतनी कि वो अपनी बड़ी बहन की बेटी तक की शादी नहीं होने देना चाहती थी और उसके लिए आए हर रिश्ते में टांग अड़ाकर उसे तोड़ दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन गौरी की शादी के लिए रिश्ता आता है। जी,
वो आपको क्या क्या पसंद है? अरे अरे हमसे बात कर, हमसे नजरे इधर कर इधर और हमारी सुन। जी जी बोलिए। काका बनानो आता है तुम्हें, बताओ। ये सवाल तो हमें करने चाहिए आपकी बेटी से। अरे ये लड्डू जरा खा कर तो देखूं, आपकी बेटी ने बनाए है ना। उन लड्डुओं में ढेर सारा लाल मिर्च पाउडर तीनों मौसियों ने पहले ही मिलाया हुआ था। जैसे ही लड़के की माँ लड्डू खाती है, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। मिर्ची मिर्ची, अरे पानी लाओ, मुंह जल गया मेरा। ये पानी पीजिए, कुछ मीठा लाओ क्या आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, बस बस, मीठा दिखाकर पहले ही इतना तीखा खिला दिया। चल बेटा यहाँ से, हमें नहीं करना कोई रिश्ता यहाँ। अरे अरे हमें भी नहीं करना है कोई रिश्ता रिश्ता, निकलो हमारे घर से। इस तरह तीनों मौसियां मिलकर ये रिश्ता भी तुड़वा देती हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन बिचारी गौरी उदास हालत में गोवा के बीच पर एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहां पर उसके बचपन का दोस्त तरुण आ जाता है और उसकी उदास हालत को देखकर वो सारी बात समझ जाता है और उसे खुश करने के लिए गाना गाने लगता है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। Stop this nonsense, तरुण, कितना बेसुरा गाते हो यार तुम। एक तो पहले ही मेरा मूड खराब है, अब तुम ये फटीचर सा गाना गा के मूड मत सड़ाओ मेरा। अरे यार तू भी ना हमेशा ही अपनी मौसियों की वजह से यहाँ उदास होकर बैठ जाएगी। तू एक काम कर, भाग कर शादी कर ले, तेरी मौसियाँ कुछ नहीं बोल पाएंगी फिर। मजाक अच्छा था, पर भागने के लिए कोई लड़का भी तो होना चाहिए ना। अरे मैं उन्हें डार्लिंग, मुझसे शादी कर ले, इतना हैंडसम लड़का तेरे को कभी नहीं मिलेगा, लिख के ले ले। वैसे बात में दम है तुम्हारी, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो समझते हो, तुमसे अच्छा लड़का मुझे शायद ही कोई मिलेगा। और तुम देखना, तुम्हारी तीनों मौसियों की सोच ना बदल दी ना मैंने, फिर देखना तुम। इस तरह तरुण और गौरी किसी को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और घर आ जाते हैं, जिसे देखकर गौरी की तीनों मौसियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और तीनों का पारा हाई हो जाता है। गौरी गौरी, ये तूने क्या कर लिया? इस भूखे नंगे तरुण से शादी कर ली? अरे अरे हम तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखते रहे थे, सब्र नहीं हुआ तुझसे है? अरे आप तीनों के होते हुए ना मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैंने किसी को भी बिना बताए तरुण से कोर्ट मैरिज कर ली और अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। नहीं नहीं, हम इसे घर जमाई बना कर यही रख लेते हैं, वरना मुझे पता है इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छी लड़की दिखी नहीं, किससे की तरह गोली हो जाते हैं। अरे ये क्या पागलपन है, आप लोग मेरा घर बसने दोगे या पहले ही उजाड़ दोगे? आए काका दो लल्ली, अरे रुक जा, तू हमारे साथ ऐसा ना कर सकता है। क्या तीन तीन माँ का प्यार दिया और आज आज तो मोई वैल्यू ना है। आए अरे यार अब आप प्लीज रोइए मत, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, पर बात समझने की कोशिश कीजिए, अब मेरी शादी हो गई है और मुझे मेरे ससुराल जाना होगा। अरे तो हम तेरे साथ जाएंगे और देखेंगे ये लड़का तुझे सही से रख भी रहा है कि नहीं रख रहा। हाँ, वरना ये लड़का यही घर जवाई बनकर रहेगा। ये बात सुनकर गौरी और तरुण के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अपनी मौसियों को उदास न करने के लिए इस बात को वो दोनों स्वीकार कर लेते हैं। तरुण की माँ कल्याणी अपनी बहू का घर में खुशी खुशी स्वागत करती है, लेकिन वो तीनों मौसियों को घर में देखकर मुंह बना लेती है। सुहाग रात के दिन तीनों मौसियाँ अपनी बेटी को बहला फुसला कर उसके पति से दूर रहने के लिए मना लेती हैं और उन्हें नजदीक नहीं आने देती,
ये सब देखकर तरुण को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाता। ऐसे ही एक दिन वो फोन पर छुपकर किसी से बात कर रहा होता है और कमला उसे ऐसे बात करता देखकर अपनी बेटी के कान भरने लगती है। हाय हमारी भूल सी बच्ची, क्या होगा अब उसका? देखा सुरेखा, काजल, मैं ना कहती थी ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, धोखा देकर बाहर किसी के साथ अफेयर चालू कर देते हैं। मासी क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हो? अरे अभी तो मैं रो रही हूँ, जब तू सुनेगी तो तू भी रोएगी। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तेरे पति का किसी औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया है। क्या अफीम तो नहीं खा लिया आपने? अच्छा तो एक काम कर, आज जब तेरा पति बाहर जाएगा ना, तो तू उसका पीछा करना और देखना किस मुंह से मिलने जाता है। ऐसे ही शाम को तरुण काम का बहाना बोलकर घर से निकल जाता है और उसका पीछा करते हुए गौरी एक रिसॉर्ट तक पहुंचती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसी समय वो उसे रंगे हाथों पकड़कर पूछती है। अच्छा तो ये है तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम? हाँ, रिसॉर्ट में लड़कियाँ घुमा रहे हो तुम? अरे तुम यहाँ कैसे? तभी वहाँ तीनों मौसियाँ भी आ जाती हैं। अच्छा तो देखकर चौंक गया, पकड़ी गई ना तेरी चोरी, आया बड़ा शादी करने वाला। गोरी देखो, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यहाँ बस। अरे मैं तो क्या कर रहा है, मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने की कोई जरूरत ना है। देखिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बेबी से कर रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाइए। देखो गोरी, मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे बर्थडे का प्लान करने आया था। क्या मेरा बर्थडे? अरे हाँ, आज 12 बजे मेरा ही तो बर्थडे था। तरुण ने सभी जगह गोरी के पोस्टर्स लगाए होते हैं जो वो सबको दिखाता है और वहाँ का सारा डेकोरेशन देखकर गोरी को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और वो उससे माफी मांग लेती है। लेकिन तभी तरुण उसे समझाता है। देखो गोरी, आज तो तुम चुन ही लो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपनी मौसियों के साथ रहना है। तरुण प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो, अपनी मौसी के बहकावे में आ गई और तुम पर शक किया। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम अपनी मौसियों को अलविदा कहोगी। ए लड़के, तू हमारी जान को बोल रहे है? हैं? देख ये हमारी बेटी है और ये हमें ही चुनेगी। नहीं मौसी, अब मैं अपना प्यार और अपना ससुराल चुनूंगी। गौरी अपनी तीनों मौसियों को टाटा बाय बाय कर देती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। समय बीतता जाता है, तरुण अपनी बीवी को दुनिया भर की सारी खुशियां लाकर देता है और ये सब देखकर तीनों मौसियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ सालों बाद गौरी की एक छोटी सी बेटी भी हो जाती है और तरुण अपनी बेटी को सराखों पर बिठाकर रखता है। इस तरह सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। रेशमा अपनी मॉडलिंग के लिए इतनी ज्यादा पैशनेट थी कि वो अपनी मॉडलिंग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसके परिवार में उसकी माँ राधा, पिता धर्मेश, भाई राज और एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिसे रेशमा का मॉडल बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर ही उसे इन सब के लिए रोका टोका करते थे, पर रेशमा किसी की बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन वो न्यूज़पेपर का बना हुआ ड्रेस पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। उसे ऐसा देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। ओए रायो, कौन से दिन दिखवा रहे हो मेरे को राज छोरी? अरे निर्लज बेशरम, अरे अरे ये क्या पहन लिया? और कपड़े नहीं है क्या तेरे पास जो ये न्यूज़पेपर लपेट के आ गई? जल्दी जा और कपड़े पहन, घर में बाप भाई हैं, सबके सामने ऐसी अधनंगी घूमेगी क्या? Oh, please, mom, it's fashion. आपको पता भी है ये न्यूज़पेपर का ड्रेस कितना ट्रेंडी है। ये न्यूज़पेपर लपेटना कब से फैशन बन गया?
रे अंदर जा और कपड़े पहन, यो कागज कहीं फटवट गया ना, ते मैं बता रही हूँ, मैं तने बता दूंगी आज। दादी तुम ठहरी पुराने जमाने की, आपका दौर ना कब का चला गया, ये आज का टाइम है और आज ना मेरा मॉडलिंग का ऑडिशन है जो मैं देने जा रही हूँ और शाम को घर आऊंगी वापस। अरे रुक, क्या इन्हीं कपड़ों में जाएगी, कपड़े पहन कर आ वरना आज तू बाहर ही नहीं जाएगी। अरे आपको देख नहीं रहा क्या, कपड़े पहने तो है और कितने क्लासी भी लग रहे हैं, और मुझे जाना है, प्लीज ना आप दोनों अपना ये लेडी ड्रामा बंद करो। अरे कहीं नहीं जाएगी तू, समझी? माँ मेरा हाथ छोड़ो, क्या है यार, जाने दो ना मुझे, मुझे जाना है तो मतलब जाना है। अरे बस बहुत हो गया तेरा, शर्म बेच खाई है क्या तूने, कहीं नहीं जाएगी एक बार बोल दिया ना। राधा अपनी बेटी को जबरदस्ती कमरे में बंद कर देती है। अपने मॉडलिंग के सपने को इस तरह बिखरता देखकर रेशमा को बहुत दुख होता है। अब उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, पर अपनी जिद की पक्की रेशमा अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेती है। और एक रात जब सब घर वाले सो रहे होते हैं तो वो घर छोड़कर मुंबई चली जाती है। वो दिन रात कड़ी मेहनत करती है और आखिरकार एक मॉडल बन जाती है। ऐसे ही एक दिन एक शो के दौरान उसकी मुलाकात 50 साल के सुशील से होती है, जो कि मैगजीन डायरेक्टर होता है। रेशमा की खूबसूरती देखकर वो इस पर मोहित हो जाता है। एक दिन वो उसके घर पर हाथों में फूल लिए जाता है। ओह माय गॉड सर, आप यहाँ, सुशील दिवाकर मेरे घर में, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि बड़े डायरेक्टर से मिलकर। ओह गॉड, आज तो मेरा मॉडलिंग का करियर सफल हो गया। ओके ओके, अब थोड़ा शांत भी हो जाओ और सुनो, मैं यहाँ तुम्हें एक बड़े इवेंट की शो स्टॉपर बनने का ऑफर देने आया हूँ। व्हाट, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, इतना बड़ा ऑफर, हे भगवान मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। अरे नहीं नहीं, सुनो ये फूल तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सर। रेशमा खुशी के मारे झूमने लगती है और अगले दिन वो शो की शो स्टॉपर बन जाती है। धीरे धीरे उसका मॉडलिंग इंडस्ट्री में खूब नाम हो जाता है। सुशील जो पहले से ही 3 शादियां कर अपनी बीवियों को छोड़ चुका था, अब उसकी नज़र रेशमा पर थी। वो एक दिन उसे एक महंगे से रिजॉर्ट में लेकर जाता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रेशमा तुम्हें पता है आज मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ? क्यों? आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ, यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ रेशमा, और मैं तुम्हीं से शादी करना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। वो तुम्हें मेरी उम्र से तो कोई दिक्कत नहीं है ना रेशमा? बिल्कुल भी नहीं, क्यों ना हम शादी की डेट फिक्स करवा लें अब। हाँ हाँ बिल्कुल माय लव। कुछ ही दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। एक दूसरे से शादी कर वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश रहते हैं, लेकिन वक्त बीतता है और दोनों की जिंदगी में खटास आने लगती है। रेशमा अपनी मॉडलिंग नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसका पति अब उसे काम करने के लिए मना कर रहा था। कभी कभी तो वो अपनी बीवी के लिए आए ऑफर किसी और लड़की को दे दिया करता था। ऐसे ही एक दिन उसे मॉडलिंग का ऑफर आता है। सुशील सुनिए ना, देखो मुझे कितना बड़ा ऑफर मिला है मॉडलिंग का। तो क्या करूँ मैं, मुझे क्यों बता रही हो तुम? तुम तो वही करोगी ना जो तुम्हें करना है। तुम्हें हो क्या गया है, पहले तो तुम मेरी मॉडलिंग के फैन थे और अब ऐसे कर रहे हो, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है मेरी मॉडलिंग से? हाँ है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे ये तुम्हारा बोल्ड फोटो शूट करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जुबान संभाल कर बात करो, ये क्या तमीज है तुम्हारी बात करने की? अरे तुम भी तो करते हो ना ऐसे मॉडलिंग, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका, अब तुम्हें क्या हो गया? क्योंकि मैं आदमी हूँ और तुम औरत, और शादी के बाद तुम्हारा काम सिर्फ मुझे खुश करना है, समझी तुम? ऐसे ही रोजाना दोनों के बीच बहस होती ही रहती है। एक दिन तो सुशील उस पर हाथ उठा देता है, फिर क्या था वो अपने सम्मान की खातिर उसके घर को छोड़ देती है।
और सुशील उसे डिवोर्स देकर हमेशा के लिए अलग हो जाता है। रेशमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और मॉडलिंग करती ही रहती है, लेकिन उसका एक्स हस्बैंड उसे काम नहीं दे रहा था। जो भी काम उसके लिए आते वो उन्हें किसी और को दे देता। उससे बदला लेने के लिए उसने रेशमा का पूरा करियर ही खत्म कर डाला। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने परिवार के पास वापस लौटती है, जहां उसके आस पड़ोस के लोग उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं। आए हाय, देखो तो, अपने माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर यहाँ वापस आ गई। जरा भी शर्म नहीं है इस लड़की में तो। अरे मैंने तो टीवी पर न्यूज भी देखी थी, इसके पति ने ना इसको डिवोर्स दे दिया और अभी ये अकेली रहती है। इतना बदनाम होने के बाद भला कौन इसे अपनी बीवी बनाएगा। रायो छोरी कितनी नाक कटवाएगी हमारी, देख थारी वजह से कितना कुछ सुनते हैं हम लोग रोज रोज। अरे ओ कलंकनी, अब क्या लेने आई है यहाँ, जा अपनी मॉडलिंग की दुनिया में, अब तो तू हमारे लिए मर चुकी है। माँ माँ प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, अब मेरे पास आपके अलावा कोई सहारा नहीं है, मैं खुद को नहीं संभाल सकती। माँ माँ प्लीज मुझे घर के अंदर आने दो, प्लीज माँ। रे तू कदम मत रख इस घर में, या छोरी इस घर में कदम रखी ना तो मैं चली जाऊंगी इस घर ने छोड़ के। और तू, अरे छोरी हमारी बेइज्जती मत करवा मोहल्ले में। अरे चली जा। रे अब इन्हें मार देना चाहती है क्या? अरे चली जा यहाँ से, भगवान के लिए चली जा। रेशमा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इस तरह अपनों का तिरस्कार उसे अंदर से खोखला कर देता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और अपनी लाचारी देखकर वो अपने हाथों की नस काट कर सुसाइड कर लेती है और वो वहीं गली में गिर जाती है। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, वो बेचारी अपना दम वहीं तोड़ देती है। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके घर वालों को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं। सभी घर वाले दुखी मन से अपनी बेटी का दाह संस्कार कर देते हैं। सुशील अपनी मॉडलिंग की इंडस्ट्री में खूब नाम कर रहा था और उसने एक और शादी कर ली थी, लेकिन रेशमा की जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। क्या किसी ने भी उसकी परवाह की? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मॉडल बहू? देखा किस तरह एक लड़की ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान गंवा दी? क्या ऐसा होना चाहिए था? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।